हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टैक्स पाठशाला में बाय टैक्सेशन इनसाइट। इट्स ऑल अबाउट टैक्सेशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो रिसेंटली पेंशन फंड अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं यानी ऑल सब्सक्राइबर्स एंड ऑल स्टेक होल्डर्स को ये बेनिफिट दिया है कि वो पार्शल मनी विदड्रॉ कर सकते हैं अपने एनपीएस अकाउंट से। सो फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस कॉस्ट ड्यू टू COVID-19। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि कोरोना वायरस महामारी से इस वक्त पूरा देश जो है वो लड़ रहा है। तकरीबन 6,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं और तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत, एनपीएस सिस्टम के तहत पेंशन फंड अथॉरिटी ने ये बेनिफिट दिया है अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, अपने सभी स्टेक होल्डर्स को कि वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19। तो अगर आप COVID-19 से संक्रमित हैं और अगर आपको इलाज करने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आप जो है अपने एनपीएस अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं जो कि इशू किया गया है बाय पेंशन फंड अथॉरिटी। इसका सब्जेक्ट है परमिशन ऑफ द पार्शल विड्रॉ टुवर्ड्स ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस। सो दोस्तों, पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफिंग देता हूं आपको कि नेश की आप अपने एनपीएस अकाउंट से कुछ पार्शल मनी आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन है, उसमें कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेज दी गई हैं कि आप सिर्फ उन डिजीजेज के लिए ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी के कॉन्टिन्यूएशन में गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने कहा है कि इन व्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच हैज़ डिक्लेयर COVID-19 एज पेंडेमिक, इट हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर COVID-19 एज क्रिटिकल इलनेस विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इन नेचर। Hence, in view of the above, the partial withdrawal shall be permitted to fulfill financial needs of the subscriber. If required to him, her, against the request placed for a partial withdrawal towards the treatment of illness of the subscriber, his legal wedded spouse and children's. So, dosto, इस notification के तहत जो है critical illness की एक list है, ठीक है, जिसके लिए आप एनपीएस अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उस लिस्ट में COVID-19 को भी ऐड कर दिया गया है। अब COVID-19 के लिए भी आप जो है पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो सब्सक्राइबर अपने खुद के इलाज के लिए भी विड्रॉ कर सकता है, अपने स्पाउस के इलाज के लिए भी विड्रॉ कर सकता है और अपने बच्चों के इलाज के लिए भी पैसा विड्रॉ कर सकता है। सो इसके फर्दर टू दिस नोटिफिकेशन, द अदर टर्म्स एंड कंडीशन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रेगुलेशन 8 ऑफ PFRDA, एग्जिट एंड विड्रॉल अंडर NPS रेगुलेशन 2015 अमेंडेड देयर टू शेल कॉन्टिन्यू टू बी एप्लीकेबल। सो दोस्तों, रेगुलेशन 8 जो है ये भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा कि क्या क्या वो लिमिट्स और फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि एप्लीकेबल होंगी टू दिस पार्शल विड्रॉल एज वेल। सो इसके लिए उस लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन देखें कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको देना मैंडेटरी है। द नोडल ऑफिस POPS एग्रीगेटर्स वुड इंश्योर दैट द सब्सक्राइबर हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स before authorizing partial withdrawal: medical certificate and formal request for partial withdrawal. तो जितने भी nodal officers हैं या authorized officer हैं वो आपके partial withdrawal को release करने से पहले ये ensure करेंगे कि आपने एक medical certificate submit करा है और एक formal request भी submit करी है for the purpose of partial withdrawal. तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या वो लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि इस पार्शल विड्रॉ पे एप्लीकेबल होती हैं। सो दोस्तों, ये लिमिट्स हैं, ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये स्पेसिफाइड लिस्ट है, लिस्ट ऑफ
diseases hain which are covered as which is treated as a critical illness under the national under NPS scheme. So kaun kaun si hain? Cancer, kidney failure, primary pulmonary arterial hypertension, major organ transplant, heart valve surgery. तो इस टाइप की जो डिसीजेज हैं ये क्रिटिकल इलनेस में मेंशन की गई हैं. इसमें अब कोविड 19 को भी ऐड कर दिया गया है इस लिस्ट में, तो कोविड 19 को भी क्रिटिकल इलनेस माना जाएगा. अब इसके लिए कुछ लिमिट्स डिफाइंड है. द परमिटेड विड्रॉल शैल बी अलाउड ओनली इफ द फॉलोइंग एलिजिबल क्राइटेरिया एंड द लिमिट्स फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स आर कंपाइल्ड बाय द सब्सक्राइबर. तो क्या क्या लिमिट्स हैं और कंडीशंस हैं जो स्पेसिफाइड है इन दिस बिहाफ. अ सब्सक्राइबर शैल हैव बीन इन द नेशनल पेंशन सिस्टम एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर ज्वाइनिंग. तो कम से कम आपका जो NPS अकाउंट है वो मिनिमम 3 ईयर्स पुराना होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन क्या है, द सब्सक्राइबर शैल बी परमिटेड टू विदड्रॉ एक्यूमुलेशन नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम और हर एंड स्टैंडिंग टू हिज और हर क्रेडिट इन हिज और हर इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेबल फॉर विदड्रॉल. तो आपके NPS अकाउंट में जितना भी बैलेंस स्टैंड करता है तो आप उसका मैक्सिमम 25% ही विड्रॉ कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी, अ सब्सक्राइबर शैल बी अलाउड टू विड्रॉ ओनली अ मैक्सिमम ऑफ 3 times ड्यूरिंग द इंटायर tenure ऑफ सब्सक्रिप्शन अंडर द NPS. तो मैक्सिमम आप सिर्फ 3 times ही विड्रॉ कर सकते हैं. अगर तो आपने ये जो आप कोविड 19 के लिए रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं, अगर इससे पहले आपने ऑलरेडी 3 times आपने रिक्वेस्ट रेज कर दी है तो आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. मैक्सिमम आप जो है पूरे टेन्योर में सिर्फ और सिर्फ 3 times ही विड्रॉ कर सकते हैं. देन यू हैव टू मेक श्योर दैट पर्सन हैज नॉट एक्सीडेड दिस स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी. द रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल शैल बी सबमिटेड बाई सब्सक्राइबर अलॉन्ग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन. तो जैसे मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंटेशन बताया कि मेडिकल सर्टिफिकेट प्लस फॉर्मल रिक्वेस्ट, ये आपको इंश्योर करना होगा कि आप ये सबमिट करेंगे विद एवरी विड्रॉल टू द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपर एजेंसी और द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एज मे बी स्पेसिफाइड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ सच विड्रॉल क्लेम थ्रू देयर नोडल ऑफिस प्रोवाइडेड दैट वेयर अ सब्सक्राइबर इज सफरिंग फॉर एनी इलनेस specified in sub clause D, the request of withdrawal may be submitted through any family member of such subscriber. मतलब अगर जो critical illness की list मैंने आपको बताई तो उसमें आप जो request जो है वो जरूरी नहीं कि subscriber के end से आए, उसका कोई भी family member भी request raise कर सकता है. तो एक benefit दिया गया है कि जो request है, जो formal request है, वो जरूरी नहीं कि subscriber के end से ही आए, उसको कोई और भी person, उसका कोई और भी फैमिली मेंबर इसको कर सकता है. सो इन दिस वे वी हैव सीन द लेटेस्ट नोटिफिकेशन विच इज इशूड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर द पार्शियल विड्रॉल ऑफ द सम एज ऑफ द सम इन NPS अकाउंट. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर वीडियो. आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या ऑल्टरनेटिवली आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं @9390667709. बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं. सो आप इस हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें टू गेट दीज काइंड ऑफ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. And also, I must encourage you to subscribe to our newsletter by visiting our website, which is www.taxationinside.in. और वहाँ पे newsletters के लिए आप अपने आप को subscribe करें to stay updated. Thank you for watching this video.